गुजरांवाला का हलका NA-78, यहाँ से नून लीग के खुर्रम दस्तगीर खान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मुबीन आरिफ आमने सामने हैं। इस हलके से जुड़े कई मसाइल आज भी हल तलब हैं। तफसीलात जानते हैं तैयब मुगल से। NA-78 आबादी के एतबार से गुजरांवाला के बड़े हलकों में अहम हलका। नई हलका बंदियों से पहले ये हलका NA-81 में शामिल था, जहां से पिछले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर 1,23,978 वोट लेकर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इस हलके में रेलवे फाटकों के 22 ट्रैफिक जाम रहना, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, साफ पानी की अदम दस्तियाबी, कब्रिस्तान में जगह की किल्लत, तजावजात की भरमार और टूटी फूटी सड़कें बड़े मसाइल तसव्वुर किए जाते हैं। इधर मसाइल तो ये हैं कि रोड्स बहुत ख़राब हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। उसके अलावा पानी का बड़ा मसला है, गंदा पानी आता है, फिल्ट्रेशन का पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। नई हलका बंदियों के बाद NA-78 से इस बार भी खुर्रम दस्तगीर खान नून लीग के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मुबीन आरिफ, पीपल्स पार्टी के हारिस मीरा और तहरीके लबैक पाकिस्तान के चौधरी कामरान ओलख समेत दीगर 35 उम्मीदवारों से होगा। अवाम अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, अवाम अब सिर्फ उसी को वोट देंगे जो अवाम के मसाइल हल करेगा। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हलके के 5,71,563 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हलका NA-78 के मसाइल तो आपने सुन लिए हैं, इन मसाइल की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं और साथ ही साथ पुरअज़म भी हैं कि आम इंतखाबात में वोट की ताकत से जो भी उम्मीदवार इक्तदार में आएगा वो इस हलके की तरक्की खुशहाली और अवाम की फलाह व बहबूद में अपना अहम किरदार अदा करेगा। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला।